इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को खेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी दिखे जल्दी जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ये है मिस्टर डिसूजा। तो आप लेके आए इस लड़की को यहाँ पे? हाँ।
का बयान ले लो और साइन करा लो। जी मिस्टर डिसूजा, अगले कुछ दिनों तक गोवा से बाहर जाइएगा मत हमें इन्फॉर्म किए बिना, ओके? चलिए सर, ये है डॉक्टर मेनन, इस लड़की का केस यही देख रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो वर्गीस, इंस्पेक्टर वर्गीस। डॉक्टर मेनन जी, क्या लगता है डॉक्टर आपको, कब तक होश आ जाएगा इससे? कहना मुश्किल है, शी वॉज ब्रॉट हेयर इन ए वेरी बैड शेप। उसकी ये हालत देखकर यह अंदाजा लगा जा सकता है कि उसका स्ट्रगल काफी रहा होगा। हाँ बाहर तो वो आ गई है, लेकिन उसका स्ट्रगल कितना सक्सेसफुल रहा है ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। उनके कपड़ों के साथ कुछ मिला हो, कोई आईडी, एनी सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन? जी नहीं। और मुझे लगता है कि उनका बयान देने के लिए आपको काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियों और ट्रॉमा केसेस में हम पेशेंट को कंसीडरेशन करते हैं। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। तुम लोग अलर्ट रहना ऑलवेज, जिसने भी लड़की पर अटैक किया है वो दोबारा कर सकता है। उसके होश आते ही मुझे सबसे पहले फोन करना, ओके? आई शुड बी द फर्स्ट वन टू नो। जी सर। All right, sure. I'll see you. भाव, वो लड़की अभी तक जिंदा है। गायकवाड, कब तक खड़े रहोगे ऐसे? जाओ जाकर तुम लोग भी चाय पी लो, मैं हूं यहाँ पर। जी। और हाँ, एक अच्छी वाली चाय मेरे लिए भी। ओके सर। Oriented. आप अपने सीनियर ऑफिसर को बुला लीजिए प्लीज। श्योर। और दोनों पे केस दर्ज करो। ओके सर। सर गायकवाड़, लड़की का है? सर मैं तो यहीं बाहर ही बैठा था। Where is the girl? सर यहीं पर थी, थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर मेनन ने उसका चेकअप किया था और सर मैंने खुद मेडिसिन देके सुलाया था उसे। तो क्या नींद में होके चली गई वो? तुम लोग जाग रहे थे या तुम भी सो रहे थे? गायकवाड, लॉक दिस हॉस्पिटल डाउन, नो वन गेट्स इन एंड नो वन गेट्स आउट। यस सर। ऑलविन, हेडक्वार्टर्स को रिले करो, आई वांट मोर बैकअप राइट नाउ। वेयर इज द डीन ऑफ दिस हॉस्पिटल? सर ग्राउंड फ्लोर।
तू पीछे रूम में जाके चेक करके आ, ठीक है? और डिसोजा तू नीचे जा और रिसेप्शन पे पूछ, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो एंटन सर को बता देना। डॉक्टर साहब आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। यस डॉक्टर, पेशेंट की सीटी स्कैन रिपोर्ट्स आ गई हैं। देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम, शी हैज पार्शियल सेरेब्रल हाइपोक्सिक इस्केमिया। मतलब कॉफिन में उसे काफी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, इस वजह से शी हैज सफर्ड सम ब्रेन डैमेज। इस ब्रेन डैमेज की वजह से उसके दिमाग और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होगा, सीजर्स आएंगे, हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं जिसे हम मतिभ्रम कहते हैं। इसका इलाज बहुत जरूरी है, अकेली रहेगी तो मर भी सकती है। डोंट वरी, वी विल फाइंड अ डॉक्टर। ओके गायकवाड, आई वांट अपडेट्स एवरी 10 मिनट्स। यस सर। चलो तुम लोग घर चलो, मैं बाद में आता हूँ। आप नहीं चल रहे? शिवरात्रि के साथ साथ अनु का बर्थडे भी है। तू क्या चाहती है? इलेक्शन की तैयारी छोड़ के तेरे साथ घर में बैठ के गुब्बारे फुलाऊ, बर्थडे की मोमबत्तियां बुझाऊ मैं? चल फैमिली ड्रामा गड़ान खत्म हुआ, घर जा।
ये देखा आज का पेपर? वोट करने की उम्र 18 तो शराब पीने की 25 क्यों? कब तक ये खिलवाड़ होगा युवा पीढ़ी के साथ? कब तक सवाल उठेंगे उनकी सूझबूझ और मर्यादा पर? नया पत्ता फेंका है अतुल मात्रे ने युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए। हाँ काका, समुद्र मंथन होगा तो कुछ तो असुरों के हाथ भी लगेगा ना। लेकिन उस असुर को राजनीति भी तो तूने ही सिखाई है बाबू। बड़ा दुख होता है ये सोच के कि वो तेरे चाचा का लड़का है। हेलो, घोड़े की ढाई चाल P3 से F5 अपनी चल चल। इस वक्त आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, चल चल अपनी। मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी क्लास के लिए देर हो रही है। सिर्फ 40 सेकंड है मेरे पास, बोल आगे बोल। घोड़े की चली तो सामने से नहीं नहीं आई मीन रानी से ऊंट। आई एम रियली सॉरी, वो मुझे चेसबोर्ड याद नहीं आ रहा है अभी। फोटोग्राफी क्लास में ध्यान है मेरा। असली फोटो वो नहीं होती जो कैमरे से खींची जाती है, असली फोटो वो होती है जो दिमाग में छप जाती है। जिंदगी में कुछ करना है ना तो कैमरे का शटर छोड़, लाइफ का फोकस ठीक कर, फोटोग्राफी की मां का। शाम को 5 बजे आऊंगा, घर पे रहना। क्यों ना टीवी पर फोटो दिखाकर अनाउंसमेंट करवा दे? उससे सिर्फ हम नहीं ढूंढ रहे गायकवाड, कोई और भी है जिससे वो बचकर भाग रही है। अनाउंसमेंट हुई तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे, ठीक है? चुपचाप नजर रखो और हर किसी पर ध्यान दो। जिस पे भी शक है मेरे पास लेके आना उसको, ओके? जी। एंड वन मोर थिंग, पता करो कि ये CCTV का कंट्रोल रूम का है, ओके? ओके सर। तेरे को बोला था ना ये बॉक्स नहीं खोलने का। अरे जब तक मैडम नहीं आती ये बॉक्स नहीं खोलने का। अरे अब वो पूछेगी कौन खोला पैक बॉक्स तो? अरे मैंने नहीं लगाया एक भी बॉक्स को। तूने नहीं लगाया तो भूत आया क्या कोई? अरे मेरे को क्या मालूम। अब भी अपनी स्टोर रूम से निकली और डॉक्टर का स्क्रब पहना उसने। आते जाते सब पर नजर रखना और अपने आदमी को इन्फॉर्म करना। क्या हुआ सर? मुझे इस वैन के ड्राइवर का नंबर चाहिए अभी। हाँ कौन? इंस्पेक्टर एंटोन बोल रहा हूँ, गाड़ी साइड में लगा और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ हाँ सर सर लगा रहो लगा रहो, एक मिनट। हाँ सर बोलिए। तुम्हारी गाड़ी में एक लड़की है जिसने डॉक्टर का स्क्रब पहना हुआ है। हाँ सर देखता हूँ। नहीं साहब, यहाँ पर किसी लड़की ने डॉक्टर स्कैप नहीं पहना है। She jumped off the bus. Excuse
एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी? हाँ एक्चुअली मुझे पेंजिम जाना है, इमरजेंसी केस के चक्कर में स्टाफ बस मिस हो गई. आई नीड हेल्प. यू आर अ डॉक्टर? यस यस. वो एक्चुअली कपड़े नहीं बदल पाए स्टाफ बस के चक्कर में. वेल कम राइट इन. थैंक यू. वेल इट्स योर लकी डे क्योंकि मैं उसी तरफ जा रही हूँ. वो एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी पर थी सो. तो बस पकड़ने की जल्दी में आप चप्पल पहनना भूल गई. राइट इट हैपेंस. यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? उस दुश्मन का जिसे दोस्त नहीं बना सका. बाबा कहा करते थे, औरत को उसकी जात और दुश्मन को उसकी औकात. जितना जल्दी हो सके बता देनी चाहिए. काका आ गए वो लोग. छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो. छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो. ये बाजीराव, किसी ने चाल का सौदा करने से मना किया है. भाव भाव गलती हो गए भाव, लेकिन लेकिन क्या करेगा भाव? चाली तो अपना घर है ना भाव, अपने बीवी बच्चों का छत है. हाँ भाव 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 गलती हो गए भाव. आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा भाव. गलती हो गई, आप जैसा बोलोगे भाव. ठीक 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 भाव भाव. ए वो क्या बोलता अपना अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति में? सुई मुई जी शांत हो गई. तुझे जवाब तब देना चाहिए था जब मैंने पैसे भेजे थे. अभी तेरी लाइफलाइन फिनिश हो गई.
वो कफ सिर्फ खुल नहीं रहा था तो उसको खोलने की कोशिश कर। सोनिका, I love you। मुझे मालूम है तू मुझे प्यार नहीं करती और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे प्यार को तेरे प्यार की जरूरत नहीं है। तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा और वो तेरी दादी है ना, उसका भी। ओल्ड एज होम में बस कभी अपने आप को मुझसे अलग करने की कोशिश मत करना, किसी भी तरह से नहीं। तू अलग होगी, मुझे दुख होगा, तेरी दादी को दुख होगा। समझ गई ना क्या कह रहा हूं? सुबह और ही घर जा रहा हूं, तू अपना ख्याल रखना। इस लड़की को देखा है? नहीं सर। रुको, कोई है पीछे? नहीं, कोई नहीं है सर, कोई नहीं। चलो निकलो। क्या आपने इस लड़की को देखा है? हाँ देखा है। Myself Anton Burgess। कहाँ देखा था आपने इस लड़की को? कुछ देर पहले मैंने उसे लिफ्ट दी थी। कहाँ छोड़ा था आपने उसे? गैब्रियल रोड बोल रही थी। सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि बस एक यही घर है जो काफी अरसे से बंद है, तो शायद नहीं, यही है। लेट्स गो। गीला है, यूज हुआ है अभी। सर्च द प्लेस। जी सर। नाउ। यस सर। मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं भी नहीं है। वो मरने से नहीं, पुलिस से डरकर भाग रही है। सर एक बात नहीं समझ में आ रही है मुझे, हम उसका पीछा कर ही क्यों रहे? उसने कोई क्राइम तो किया नहीं है, मरना चाहती है तो मरे, हमें इससे क्या? पुलिस का काम सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना ही नहीं है, लोगों की हिफाजत करना भी है।
आसपास जाकर सभी घर में फोटो दिखा के पूछना, ओके? किसी पे भी शक हो तो अंदर जाके तलाशी लो, कॉल द फोरेंसिक टीम, और जब तक वो लोग यहां ना पहुंचे तुम लोग यहीं पे रुकना, ऑलराइट? जी। So you see, a direct flash on the subject makes the subject flat, and it creates a lot of unnecessary shadows. Hmm? Did you understand, Akshay? Huh? Samajh gaya na sir. Basically, bounce ladder for other objects to make beautiful subjects for my next project. Right, funny boy. That'll do. Is hafte ka assignment hoga perspective par. इस हफ्ते के लिए मैंने आप सबको दो दो के पेयर्स में बांट दिया है। देखना यह है कि दो लोग एक ही साइट को अलग तरीके से कैसे देखते हैं। सो दे विल बी अंकिता एंड आशु, गौरी एंड श्रेयस, राहुल एंड रणवीर, तुलिका एंड वेदिका, सोनिका एंड अक्षय। एवरीबॉडी रेडी? Go ahead and click Mumbai. Photographs nahi click kar rahe? Not interested. Why? Is everything okay? I broke up with my girlfriend. Oh. Sorry to hear that. Hua kya? वही तो समझ में नहीं आ रहा। उसका कुत्ता मर गया। मैंने तो एक प्यारा सा मैसेज भेजा कि बेबी तुम्हारा कुत्ता मर गया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। हेलो है। फिर पता नहीं उसके बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। आई मीन सिली गर्ल। तुमने एलो एल कहा? हाँ। तुम हंस रही हो? Sorry, I'm really sorry. I know मुझे हंसना नहीं चाहिए, पर LOL कौन कहता है? LOL, अरे LOL means lots of love. Idiot, LOL means laugh out loud. Oh shit, इसका मतलब? अच्छा तभी वो मुझे समझ रही है कि? You are right, exactly. अब फोन उठाओ और उसे फोन करो और सॉरी बोलो. Thanks. तुम झूठ कह रहे हो ना? राइट, बट एटलीस्ट यू एलओएल। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया।
एक पल भी तू मुझसे होता नहीं है जुदा। तेरी तमन्ना आँखों में लेके परछाइयों का पीछा किया। तेरी तमन्ना आँखों में लेके परछाइयों का पीछा किया। हर अजनबी से तेरा पता मैं दीवानों की तरह पूछा किया। दीवानों की तरह मैं पूछा किया। कुछ बिन यूं लगता है दिल है कहीं गुमशुदा। जाने कैसे तेरे बिन रोया है पल पल ये दिल मेरा। तू ये न जाने कैसे तेरे बिन रोया है पल पल ये दिल मेरा। आंसू किसी ने पोछे ना मेरे तो याद आया आंचल तेरा। तो याद आया आंचल तेरा। तन्हाई में अक्सर सुनता हूँ तेरी सदा। वो फोन बैटरी फ्रेंड के साथ थी। दो में से एक बात भूल, भाऊ के डर से जल्दी आ गई या फ्रेंड के घर से आने में देर हो गई। मेरी वजह से तेरी अय्याशियां अधूरी तो नहीं रहेगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं शीना के साथ थी।
शीना, शीना, मंदा, पूजा, स्मिता, तेरी सारी सहेलियों को फोन कर चुके मेरे आदमी, पर तू किसी के साथ नहीं थी। मैं किसी के साथ भी नहीं थी, मेरा यकीन कीजिए। बाबा कहते थे चूटी के पर और नागिन का सर शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। बोल किसके साथ थी तू? किसके साथ थी तू? बोल किसके साथ थी तू? बोल बोल बोल। ऐसे ही दम घुटता है मेरा जब तू मुझसे दूर होने की कोशिश करती है। ऐसे ही पता है मुझे किसी लड़के से मिलने गई थी तू। आज सबूत नहीं है इसके लिए बच गई, लेकिन अगर मुझे पता चला मेरा शक सही है, अगली बार तेरी सांस रुकेगी लेकिन वापस नहीं आएगी, वहीं थम जाएगी तेरी सांस, समझे? है आज से अपना एक आदमी 24 घंटे इसके साथ रहेगा, नजर रखेगा इस पे। थैंक यू अंकल। अंकल ये गेस्ट हाउस योला की कल ही खाली हुआ है। सानिका, अक्षय कहाँ हो तुम? अक्षय मैंने तुम्हें देख लिया है, कहाँ हो तुम? For God's sake, अक्षय, please stop playing games, अक्षय, please, अक्षय जहाँ कहीं भी हो please बाहर आ जाओ, please, अक्षय, come on, please, अक्षय. I need you. I need you. I need you. आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ा दिया, मेरी इज्जत बढ़ा दी। सम्मान आपने बढ़ाया हमारे साहित्य का। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, आप यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी किताब आपको बहुत अच्छी लगेगी। अरे आपकी तो हर किताब मुझे आज तक अच्छी लगी है, तो ये क्यों नहीं? जी धन्यवाद। तुम लोग बात करो, मैं जरा काका से बात करके आता हूँ। जी जी प्रॉब्लम्स। जी 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 जरूर। नमस्कार मंदार जी। काका दिमाग खराब हो गया आपका क्या? इसे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे थोड़ी ना मालूम था तू नेहा के साथ यहाँ पे आने वाला है। भाभी जी मैं इस किताब पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था, और इसी ने कहा था आपके साथ बात हो गई फोन पे तो लेके चला है। नमस्ते नेहा जी। नमस्ते, नमस्ते। मैंने इसे शाम को आने को कहा था, और यहाँ पर नहीं क्लब में।
बाबा कहते थे इम्तिहान की नकल और रखेल की शक्ल पर्दे के पीछे अच्छी लगती है। लेके जाओ इस घर से। नमस्कार। इस किताब में वो आपको सब मिल जाएगा जो आपके मन के भीतर। वन मिनट। जी okay. जी वो घर पे फोन करके पूछ लेती हूँ उन्होंने खाना खाया या नहीं। काका अरे काका आप जा रहे हैं फंक्शन शुरू होने से पहले ही? और ये प्यारी सी लड़की कौन है आपके साथ? ये भतीजी है, लंदन से आई है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? वो जी सोनिका, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारी तरह। थैंक्स। अब आ ही गई हो तो कुछ देर बैठो हमारे साथ, कुछ बातें भी हो जाएंगी और जान पहचान भी। फिर कभी। अभी काका के साथ किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। अजीब बात है, हम औरतों को सब कुछ करना पड़ता है जैसे कोई मर्जी ही ना हो हमारी। मैं यहां आना नहीं चाहती थी, आना पड़ा। तुम यहां से जाना नहीं चाहती और जाना पड़ रहा है। चले क्या बात है, इतने दिनों से तुम क्लास में नहीं आई? सर वो एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग टू वेल सो। ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आई एम बेटर। गुड। अच्छा सोनिका, एक छोटा सा फेवर चाहिए था तुमसे। वो इंटरनेशनल फोटोग्राफी जर्नल वाले आज शाम को मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि वो एक मेरे स्टूडेंट से भी बात करना चाहते हैं। एंड यू आर द बेस्ट आई हैव गॉट। सो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, तुम आ पाओगी ना? सर वो एक्चुअली ओह कम ऑन सोनिका, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ सिर्फ 15 मिनट की बात है। ओके सर आ जाऊंगी। थैंक यू, रियली आई अप्रिशिएट दैट। यू आर वेलकम। I'm sorry, Sonika.
मैंने सर से कहा था कि तुम्हें झूठ बोलकर यहां बुलाया। What's the matter with you? ना मेरा फोन उठाती हो, ना मेरे मैसेज का जवाब देती हो, नो ईमेल, नथिंग। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? कौन सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम? अच्छे, प्लीज लीव माय हैंड, जाने दो मुझे। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अक्षय, आई सेड लीव माय हैंड। आई विल, बट फर्स्ट टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। अक्षय, आई सेड लीव माय हैंड। बट फर्स्ट टेल मी, यू रियली वांट टू नो? तो सुनो, मंदार मात्रे का नाम सुना है तुमने? उसी नकली लू मैं, हिज ब्लडी मिस्ट्रेस। He owns me, Akshay. मेरी हर सांस पर काबू किया है उसने। जो कहता है करती हूँ, कठपुतली हूँ उसकी हाथों की मैं। छीन लिया है उसने मुझसे मेरे जीने का हक, सपने देखने का हक, किसी से प्यार करने का हक। और अगर तुम मेरी जिंदगी में मेरे करीब आए तो वो तुम्हें भी जान से मार देगा। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ अक्षय। Why don't you bloody understand? Please stay away from me, Akshay. Otherwise, he'll kill you. बस इतनी सी बात? Oh God, Sonika, तुमने तो मुझे डराई दिया था। I thought it was something serious. अक्षय, ये मजाक नहीं है। मजाक तो तुम बना रही हो हमारे प्यार का। तुमसे दूर रहने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया था, और मरने के डर से हम जीना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं सोनिका। कैसे जियोगे? सारा शहर कांपता है उसके नाम से। तो नहीं जियेंगे इस शहर में? इस शहर में राज करता है ना तुम्हारा वो मंदार मात्रे? पूरी दुनिया पे तो नहीं ना, ऐसी जगह गुम हो जाएंगे कि ढूंढता रह जाएगा वो। बकवास है ये, मुमकिन नहीं है अक्षय। प्लीज सपने देखना छोड़ दो। सपने देखने का हक है हमें, और तुम्हें प्यार करने का हक। अक्षय तुम, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर ना शर्म, जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बे
हद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। शाम की तू खामखा, तू लाजमी, तू ही रजा, तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इज़हार आया है, होठों पे तेरे इज़हार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। ब्रेकफास्ट इन बेड फॉर माय क्वीन। इतना जरा प्यार सपना है या सच्चाई? 50-50. Ready? सपने को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इजाजत है? इजाजत है, मर्जी भी है और जरूरत भी। कैदी की आजादी की आरज़ू और रखेल की शादी की आरज़ू कभी ना कभी सर उठाएगी इसे। बाबा कहा करते थे, प्लीज मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, प्लीज उसको छोड़ दो मंदार, प्लीज अक्षय को छोड़ दो, मैं चलती हूँ। भगा के लाया ना तू इसे काका, इस साले का वो हाल करो के भागना क्या चल भी नहीं पाए। हे मंदार, मर्द का बच्चा है तो अपने आदमी को पीछे कर और मर्द की तरह लड़ना। कोई शौक नहीं मुझे मर्द का बच्चा बनने का, जैसा हूँ ठीक हूँ। ज्यादा बोल मत, उसकी दर्द भरी आवाज ध्यान से सुन, क्योंकि आज के बाद उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। Oh, my God.
मैंने कहा था तुझसे, भूल जाना और माफ करना मंदार मात्रे की डिक्शनरी में है ही नहीं। प्लीज जाने दो ना उसको, प्लीज लेट गो, जाने दो ना, प्लीज छोड़ दो अक्षय को। प्लीज ऐसा मत करो, बचा लो उसको मंदार, प्लीज हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज मंदार पैर पड़ती हूँ मंदार, प्लीज बचा लो उसको, मर जाएगा वो मंदार, प्लीज 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 मंदार प्लीज बचा लो उसको, प्लीज तुम बचा लो उसको, प्लीज प्लीज उसको बचा लो, मर जाएगा वो, प्लीज प्लीज बचा लो ना उसको, काका 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 आप तो बचाओ उसको, काका बचाते क्यों नहीं उसको, मर जाएगा वो, काका जोड़ती हूँ ओके, अब तुम बचा लो उसको, प्लीज बचा लो उसको, प्लीज खड़ी रहा यहाँ चुपचाप, चुपचाप, अरे चुपचाप खड़ी रह, याद आएगी तो समझाया था मैंने, अगर तू मेरी सांसें रोकेगी मैं तेरी सांसें छीन लूंगा, नहीं समझी, तेरी माँ का, अबे तेरी तो, ए जल्दी निकल बाहर, बाहर निकल, निकल 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 निकल, ए बाहर निकल, बाहर बाहर चल, खोल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तेरी मौत एक हार्ट अटैक लगेगी, लेकिन अगर 3 मिनट में तू हॉस्पिटल पहुंच गया बच भी सकता है। ऊपर जाकर मेरा मैसेज दे देना यमराज को, बोलना सैंपल में तुझे भेजा है, चार और भेज रही हूँ।
बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत है भाऊ। नमस्कार। अरे भाऊ, इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा किया, बहुत काम किया आप लोगों ने। वाह, आइए आइए।
सोनिका नहीं, सोनिका नहीं, 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 जीर्णान्यता विहाय नवानि गुहान्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयान्ति संयाति नवानि देहि। जिस तरह से तुमने ही सिखाया था ना मंदार मात्रे, शतरंज की चाल कभी अधूरी नहीं छोड़ते, किसी एक को तो जीतना ही पड़ता है, तो प्यादे की चाल B4 to C5 तेरा एक प्यादा खत। तेरे को कोई गलत फहमी हुई है भाऊ, कब्र में से कैसे फोन कर सकती है वो? उसकी आवाज इतनी जल्दी नहीं भूल सकता काका, कब्र से निकली भी और गोली को मारा भी। तो अब कुछ नहीं। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो करेंगे। वो हमें मारने का प्लान बना रही है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चूहे को मारने के लिए चूहे के पीछे नहीं दौड़ते काका, अपनी भूख मिटाने के लिए चूहा अपने आप चूहेदान में आ जाता है। वो आएगी, जरूर आएगी हमारे पास फिर से मरने के लिए। इस पे ध्यान देना। ओके सर। ओके जी। हेलो, हॉस्पिटल से अचानक गायब होकर मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया इंस्पेक्टर। कहाँ हो तुम? मेरी छोड़ी और ध्यान से सुनिए। जिस दिन मुझे मारने की कोशिश की गई थी उस दिन एक और मर्डर भी हुआ था, अक्षय बेदी का मर्डर। आपके रिकॉर्ड्स में इसकी कोई एफआईआर नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जानती हूँ आप जैसे ऑफिसर्स को एफआईआर की नहीं सही इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? अक्षय की डेड बॉडी इस वक्त कार में है और कार एम्बुलेंस लेक में। गाड़ी में से दो बैग मिले सर, एक बैग में लड़की और लड़के के कपड़े मिले और दूसरे में एक पैकेट मिला। June 13, 2010 आज फिर उसने मुझे फोटोग्राफी क्लास में जाने नहीं दिया। उसके पास जाना कभी मेरी जरूरत थी, पर अब उसकी जरूरतों के सामने कहीं खोकर रह गई। सब कुछ उसे का है, ये घर, ये फर्नीचर, ये पर्दे, ये बेडरूम, और मैं घर कहे जाने वाले इस जेल के अंदर बिछा हुआ एक शरीर हूं। उसने आज से एक और बॉडीगार्ड रखा,
मुझ पर नजर रखने के लिए, ताकि मैं कहीं ना जा सकूं। अगर मैं कोशिश भी करती तो वो मुझे मारती। मंदार, उसने मुझे ना जीने दिया ना मरने, सब कुछ अपने काबू में कर लिया था। माय बॉडी, माय माइंड, माय स्पिरिट, वो मुंबई पर राज करता है। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था उससे दूर जाने का। पूरा शहर उससे डरता है। कहां जाऊं मैं? इस दुनिया में मेरी आजी के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मंदार मात्रे बहुत ही खतरनाक इंसान है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं फंस चुकी हूँ। आज पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी नजर आई है, अक्षय के नाम की। ही गेव मी अ कोलाज टुडे, ही लव्स मी। और शायद मैं भी एक पल के लिए सब कुछ भूल कर उससे प्यार कर बैठी हूँ। हमने भागने का फैसला कर लिया है। हम हमेशा के लिए गोवा चले जाएंगे, मंदार मात्रे की दुनिया से बहुत दूर, एक छोटी सी दुनिया बसाने, अपनी दुनिया। आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम मंदार मात्रे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र कैद की सजा अचानक खत्म हो गई है। आई एम सो 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 हैप्पी। तुम चाहते हो कि मैं कागज के इन टुकड़ों को हाथ में लेकर मंदार मात्रे के घर चला जाऊं और उसे हथकड़ी पहना दूं? अंदाजा भी है तुम्हें कि मंदार मात्रे चीज क्या है। उधर उसका अरेस्ट वारंट निकलेगा और इधर मेरी मौत का। वहां से जिंदा बच भी गया तो लोग सड़कों पर मार डालेंगे मुझे। आई एम सॉरी सर, पर मुंबई पुलिस के लिए हमेशा मेरे मन में बड़ी इज्जत रही है। मैं जानता हूं कि आपको यह केस सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पर मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। रही बात सबूत की सर, हमें सिर्फ ये डायरी नहीं मिली है, हमें अक्षय बेदी की डेड बॉडी भी मिल चुकी है। गलती तो हुई मुझसे, मैं दोनों को मारना चाहता था, वो लड़की बच के निकल गई। गलती तो हुई ना, समझ में ये नहीं आ रहा वो बच के निकली कैसे। वो सिर्फ बच के निकली नहीं मात्रे साहब, बल्कि आपको फंसाने के लिए उल्टे सीधे कदम उठा रही है। उस गोवा वाले इंस्पेक्टर को इसी ने फोन करके बताया अक्षय की डेड बॉडी के बारे में। लाश बयान दे सकती है? नहीं। बयान देने के लिए लड़की है? नहीं। अरे तो टेंशन क्या है? टेंशन उस इंस्पेक्टर की है, बहुत तेज है साला। लड़की के हाथ की लिखी डायरी है उसके पास, एंड आई एम क्वाइट श्योर डेड बॉडी को लेकर कोई न कोई रिपोर्ट उसने जरूर बनाई होगी। अब एक पुलिस वाले को दूसरे पुलिस वाले से कैसे निपटना है, ये भी मंदार मात्रे को समझाना पड़ेगा तो हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन देख किशोर, दो में से एक बात बोल, तू यहाँ मेरी मदद करने आया है या मुझे टेंशन देने आया है? कैसी बातें कर रहे हैं मात्रे साहब आप बिल्कुल टेंशन ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। अब आपके साथ रहकर थोड़ी बहुत राजनीति तो सीखी हमने। आज ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको बताना चाहूंगी मुंबई की रहने वाली सीधी साधी और मासूम दिखने वाली लड़की सोनिका प्रसाद के बारे में। जी हाँ, सोनिका प्रसाद ने गोवा से आए अक्षय बेदी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ गोवा गई और वहाँ जाकर उसका मर्डर कर दिया। अक्षय बेदी गोवा से मुंबई एक फैशन फोटोग्राफर बनने आए थे और इन दोनों की मुलाकात प्रोफेसर बजाज के फोटोग्राफी एकेडमी में हुई। काका, ये वही लड़की है ना? पता नहीं चला है आपकी भतीजी सोनिका प्रसाद जो बुक लॉन्च में मिली थी। बताना मुश्किल है कि मर्डर क्यों हुआ और उसके पीछे सिर्फ अब असली भतीजी थोड़ी ना है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हर कोई मुझे काका कहता है, तो मैं भी उन्हें भतीजा या भतीजी बुलाता हूँ। हरिद्वार से निकली गंगा, उसके मुताबिक मंदार से लिया पंगा। मंदार से पंगा। एक ही झटके में मेरे सारे पाप धोके बेचारी खुद ही मैली हो गई। भाऊ, अब सोनिका की दादी आई है बाहर, कुछ ओल्ड एज होम के वार्ड बॉयज के साथ आई है। मिल गया काका चूहे को पकड़ने के लिए पनीर का टुकड़ा। अरे 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 दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, अरे मालिक, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे खबर कर देती मैं आ जाता। अरे अरे बैठिए 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 ना बैठिए, फोन कर देती आप मैं आ जाता।
मेरी सोनी को बचा लीजिए मालिक। सोनी ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी नहीं कर सकती। जरूर पुलिस वालों को गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा और बहू जब एक्सीडेंट में मारे गए थे तो आपने ही उसे संभाला, गार्जियन है आप उसके। मुझे आप पर पूरा भरोसा है साहेब, जैसे तैसे आप सोनी को बचा लेंगे। मैंने कितना समझाया उसे दादी, कितना समझाया, मत पड़ इस फालतू छोकरे के चक्कर में, पर नहीं। आइए दादी, भाग गई उसके साथ। उसे माफ कर दीजिए साहेब। क्या कर रही है आप, बुजुर्ग हैं, ऐसे मेरे पांव छुएंगे मुझे पाप लगेगा। चलिए जो हुआ भूल जाइए, एक काम करो उसे मेरे पास लेके आओ, समझाओ, ऐसे अंडरग्राउंड हो जाएगी, पुलिस कोर्ट कचहरी सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। एक बार यहाँ आ गए मैं कोई ना कोई चक्कर चला के सब संभाल लूंगा। आइए दादी। जाने से पहले उसने हमें एक फोन नंबर दिया था। वो ऐसा है कि तुम लोगों को देखेगी तो डर जाएगी। अच्छा, आप लोग यही रुको जी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ? आती हूँ। हाँ? सोनिका आजी, कैसी है मेरी बच्ची, क्या हो गया ये सब, क्या क्या बोल रहे हैं सब तेरे बारे में। आजी आप बैठो, मैं समझाती हूँ आपको सब कुछ। क्या समझाएगी तू अपनी आजी को, चल मेरे साथ मंदार भाऊ के पास चल, वो सब संभाल लेंगे, मैंने बात कर ली है उनसे, चल। नहीं आजी, वो कुछ भी नहीं समझेंगे, आपको क्या लगता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। चल चल बेटा। ऑक्सीजन के सांस तक नहीं ले पाया था वो, और उसका दम घुट गया। अब ले तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ऑक्सीजन तो बेबी छीननी पड़ेगी ना तेरी। आइए सर। जी सर। वही है, उसी ने किया है। कमिश्नर, थोड़े दिन में इलेक्शन है, यह खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, फाइल बंद करवा दें। जेन्युइन है? 100%, सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर से ही करवा के लाया। ओके, थैंक यू।
पढ़ लिया मैंने. लुक, आई एम रियली वेरी सॉरी. मैंने तुम्हें अक्षय बेदी का मर्डरर समझकर स्टोरी की चैनल पर तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अगर मैंने ये स्टोरी की तो हम प्रेस वाले हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा. मगर तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी. प्रोटेक्शन की जरूरत मुझे नहीं, मंदार मात्रे को पड़ेगी. मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ. वो नहीं है. सूत्रों से पता चला है कि सोनी का प्रसाद पुलिस से नहीं बल्कि आदर्श पार्टी के नेता मंदार महात्रे से बचकर भाग रही है. हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे पता चलता है कि मंदार महात्रे ने सोनी का प्रसाद को पिछले 3 साल से जबरदस्ती अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखा हुआ था. गायब होने से पहले सोनी का प्रसाद के हाथ की लिखी हुई डायरी से पता चलता है कि वो अक्षय बेदी से प्यार करती थी और उसी के साथ भागने वाली थी. हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहेंगे जो सोनी का प्रसाद ने अपने घर में पिछले 3 सालों से लिए थे. हम आपको ये भी बता दें कि गोवा पुलिस को अक्षय बेदी की डेड बॉडी मिल चुकी है और इन सारे सबूतों को देखकर ये कहना गलत होगा कि अक्षय बेदी के मर्डर के पीछे सिर्फ और सिर्फ सोनी का प्रसाद का हाथ है. मंदार, किधर से आएगी डायरी? किधर से आएगी? मंदार, कब लिखी? कब लिखी डायरी? कहां से आई डायरी? प्रेस वालों का बोल, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स. किसी से बात नहीं करनी मुझे. कौन है बे? हैं? जी जी हाँ, यहीं पे. हाँ, दिल्ली से. दिल्ली से फोन है. क्या क्या बोलूं? जी मैडम. अरे नहीं, अरे वो सब वो ऑपोजिशन पार्टी लोग की क्या चाल है मैडम? नहीं, वो फोटो तो वो आजकल कंप्यूटर से. जी जी मैडम जी, मैं संभाल लूंगा. हाँ जी जी, नो नो प्रॉब्लम. जी जी मैडम जी. हेलो, मंदार महात्रे का पॉलिटिकल राइवल और उसका कजिन अतुल महात्रे तुमसे मिलना चाहता है. कब मिलना? सॉरी सोनिका जी. स्मगलर वाली फिल्म जैसी मीटिंग होगी, लेकिन आप सबके सामने मुझे मिल नहीं सकते. करेक्ट, समझदार हैं आप. तो कहिए, मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे आप? आपके दुख में मैं बहुत दुखी हूँ सोनिका जी. इलेक्शन स्पीच देने की कोई जरूरत नहीं है, साफ बात कीजिए. लिसन सोनिका, मंदार ने तुम्हारे साथ भी गलत किया है और मेरे साथ भी. तुम उससे बदला लेना चाहती हो और मैं उसे अगले इलेक्शन में हराना चाहता हूँ. हम दोनों के मकसद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, ये मुझे पता है, बट सोनिका, मैं एक बड़ी सी प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ जहाँ पे हर बड़े से बड़े चैनल का रिपोर्टर मौजूद होगा.
तुम कहाँ हो, इंटरव्यू कहाँ होगा, ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ऑल आई वॉन्ट, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मीडिया के सामने आकर मंदार की धज्जियां उड़ा दो। उस रिपोर्टर ने जो कुछ बोला है उसमें अपने आंसुओं का तड़का डाल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये तो सिर्फ आपके फायदे की बात हुई। सोनिका, एक बार मेरा साथ देना शुरू तो करो, फिर तुम देखना इलेक्शन जीतते ही मैं तुम्हें फिर से इलेक्शन स्पीच। समझ गया, पैसा बोलो पैसा, सूरज ढलने से पहले सारा पैसा एडवांस तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। एडवांस तो चाहिए मुझे अतुल जी, पर एडवांस में पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। अच्छा, तो ये कुछ और क्या है? काका भोसले जिंदा। काका भोसले, हेलो। आई बी देयर। वेलकम सोनिका जी, लगता है आप और हम ये स्मगलरों वाली मीटिंग्स ही करते रहेंगे। काका, वादा निभाया है मैंने, चलिए। कहा करते थे, कमजोर के इरादे और नेता के वादे टूटने के लिए ही होते हैं। वो कहावत सुनी होगी तूने, चोर चोर मौसेरे भाई और नेता नेता चचेरे भाई। कैसा तू? आपका आशीर्वाद है भाई। सोनिका जी, आई एम सो सॉरी, बड़े भाई ने ऑफर ही ऐसी दी कि मैं इनकार नहीं कर पाया। हम दोनों इलेक्शन में सीटें बांट रहे हैं, सारा झगड़ा खत्म। अब भाई मिल गया है तो काका की क्या जरूरत है, पर तुझे उनकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। देखो, तुम इनके फार्म हाउस में जबरदस्ती घुस आई और बेचारे वॉचमैन और बॉडीगार्ड्स को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तेरे और काका के बीच काफी हाथापाई हुई। काका ने तुझे टेबल पर फेंका और तूने उठकर काका को डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया। ऐसे फिर किसी तरह तेरे हाथ में गन आ गई और तूने काका को गोली मार दी। हाँ।
डोंट वरी, अब ये खाली है। इसने काका को तो मार दिया लेकिन खुद इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई कि यहां से भाग ही नहीं पाई। बदले के बोझ की मारी बेचारी खुद ही मरने पे आ गई। शह और मार। देखती क्या है? उठ, चल उठ, चल। नौटंकी करती है। ये ले, साइन कर इस पे। ठीक है। इसमें लिखा है कि गोली, बाबू और काका भोसले का खून तुमने किया है। मंदार मात्रे को फंसाने की कोशिश की है नकली डायरी और झूठी तस्वीरों के आधार पे। बयान है तेरा, साइन कर इस पे। कर ले, तकलीफ से बच जाएगी। पड़े रहने तो ऐसे यहां पे, भूख और प्यास से सब समझा देगी। तेरे ही बारे
नसीहत न चाहूं न कोई सलाह जो रूह ने मेरे तुझे चुन लिया साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून हर दिन तुझको चाहूं तेरी राह तकूं अपनी बाहों में तुझको मसला परेशान बड़ा इसको कोई समझा दे जरा इश्क में फना हो जाना है दस्तूर यही जिसमें हो सबर की फितरत वो इश्क ही नहीं समझ भी जा ए दिल मेरे क्या है ये माजरा साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून हर दिन तुझको अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं हम तो मार मार के इससे अपनी बात मनवा लेते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी बात मान लेगी तो कर लीजिए कोशिश जिन चार लोगों को तुमने मारा है उनमें से एक मेरा ऑफिसर भी था आपके ऑफिसर ने हॉस्पिटल में मेरी जान लेने की कोशिश की थी और बाकी तीन ने अक्षय की जान ली थी अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उन सबका बाप मंदार मात्रे अब तक जिंदा है मैं जानता हूं कि तुम अक्षय की मौत का बदला लेना चाहती हो पर यह काम तुम्हारा नहीं है कानून का है वो कानून जो एसीपी और मंदार के हाथ की कठपुतली है ऐसा नहीं है सोनिका भरोसा करो ठीक है कर लेती हूँ भरोसा कर लेती हूँ उस बयान पर साइन पर आप सिर्फ एक वादा कीजिए मंदार मात्रे को अरेस्ट करेंगे टेल मी कैन यू अरेस्ट मंदार मात्रे अक्षय के मर्डर और मेरे अटेम्प्टेड मर्डर के लिए क्या आपका कानून मंदार को सजा देगा चल मोर्डर घर नीचे रखो अपनी वरना गोली चला दूंगी सब भेजो गोवा में मिलेगा वरना नो योर गन्स डेड कोई गोली नहीं चलाएगा गन्स नीचे करो चल दरवाजा खोल चल जीप कार तेरी गाड़ी निकाल दे चुपचाप तुम लोग गाड़ी की चाबी निकालो अपनी अच्छा गाड़ी की चाबी दो
गाड़ी निकाल। ए सोनिका, तू बच के भाग नहीं सकती। बचने के लिए नहीं भाग रही हूँ, मरने के लिए भाग रही हूँ। जल्दी चाबी दे वरना एंटन वर्जिस की पार्टी यही खत्म। चाबी रख पापा। होल्ड योर फायर, डोंट शूट। पीछे आओ, चाबी ले, चाबी ले, दे चाबी मुझे दे। दरवाजा खोल, चल दरवाजा खोल, अंदर बैठ। क्या क्या तमाशा देख रही है सनी? चल अंदर जाके बैठ, नहीं तो तोड़ दूंगा तुझे भी ऐसा ही। चल ए, निकल साले। गलती तो यही हो गई मंदार भाव कि हमने भी उसे आप ही की तरह मामूली समझ लिया, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है, उसे हल्के में मत लीजिए। जो लड़की अपने जख्मों पे नमक बर्दाश्त कर ले, उसे और जख्मों से डराना मुश्किल है। आप अपने आसपास की सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। डरा रहा है भाव को? डरा रहा है तू? सिर्फ सावधान होने को कह रहा हूं भाव, और इस लड़ाई में वो इतना कुछ खो चुकी है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जान से मार डालूंगा साली को मैं, जान से मार डालूंगा। ये तो आप अपनी तरफ से करके देख ही चुके हैं। आधी तो वो तभी मर गई थी जब आपने उसके बॉयफ्रेंड को उसकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मारा था, और उसकी बाकी की जान तब निकल जानी चाहिए थी जब आपने उसे जीते जी कब्र में दफना दिया था। उसने मौत को इतने करीब से देखा है भाऊ कि अब उसके सीने से मौत का डर निकल चुका है, और जिसे मरने से डर ना लगता हो वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। मेरी बात पे गौर करना भाव, और अगर मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। चलता हूं। दो दिन तक गायब हो जाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा तो तुम भी नहीं मिलोगी। थैंक यू। यू वेलकम। और ये लो। क्या है ये? फोन नंबर है उसका जो तुम्हें मदद करना चाहता है, शायद वो तुम्हें मंदिर तक भी पहुंचा दे। कौन है ये? फोन कर लो, पता चल जाएगा। और सर इस जमीन से ये फायदा है कि ये बिल्कुल डैम के साथ है, तो आर्टिफिशियल लेक भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल्स भी पास ही है। बेसिकली सर हम तीन टाइप के अकोमोडेशन सोच रहे हैं। पहला तो विला टाइप, दूसरा हम बिल्डिंग बना सकते हैं और उसमें फ्लैट्स बेच सकते हैं। वो क्या है आजकल सर, लोग फ्लैट्स प्रिफर करते हैं, सिक्योरिटी की झंझट कम हो जाती है और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी नहीं रहती। और सर तीसरा आइडिया है रो हाउसेस का, विला का विला और एक तरह से फ्लैट भी। अरे यार दरवाजा क्यों खुला है? हाँ सर खुला रह गया होगा। सर एक्चुअली वो केटरिंग वाले हैं, चाय और समोसा लेकर आ रहे हैं। बंद कर, कोई नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, बंद कर दरवाजा। मीटिंग के बाद खाना चाय समोसे, ये बंद कर। चल चल चल, चाय समोसे। हाँ तो वो जमीन डैम के पास है। फिर तुम दोनों यहां से हिलना मत। अंदर साहब का इंटरव्यू चल रहा है, बाहर का कोई आदमी अंदर जाने ना पाए। जॉली लिसन, get sir a glass of water and tell the makeup man to be ready in case of sweat. Is that clear? Okay ma'am. All right. Sir, kyunki sirf ek hi debate ho sakti hai, main aapse us diary ki importance ke bare mein janna chahti hoon.
यहाँ स्टूडियो में कितने लोग अलाउड हैं? ड्यूरिंग द शो ईपी है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और मेरा कैमरामैन है। सबका सिक्योरिटी क्लियरेंस है? सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब? हाँ सर, सबके पास आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड किसी के पास भी हो सकता है, दिस इज नॉट राइट। यहाँ सिर्फ ये दो कैमरामैन रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। वेरी क्लियर ऑन दैट। स्टार्ट। ओके अनुराधा, यू स्टेप आउट एंड लेट द कैमरामैन स्टे इन एंड यू कम इन ओनली टू गिव योर क्यूज ड्यूरिंग द एड ब्रेक। ऑलराइट? ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, ये कहाँ जा रही है? टू द कंट्रोल रूम सर। कंट्रोल रूम में कितने लोग हैं? 10 या 12। 10 हैं या 12 हैं? प्लीज टेल मी। 12 आई थिंक सर। सबका नाम जानती है? सबका नाम क्यों जानूंगी सर, वो इंटर्न्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है। अगर आप सबका नाम नहीं जानती है तो कौन जानता है? दिस इज नॉट सेफ, कोई सिक्योरिटी नहीं यहाँ पे। बट सर दिस इज अ न्यूज चैनल, यहाँ पर कोई कुछ क्यों करेगा सर? जहाँ पर किसी को लगता है कि कोई कुछ नहीं करेगा वहीं कोई कुछ करता है, यू नो दैट। मेरे घर पे होगा इंटरव्यू। आई एम सॉरी सर बट दिस इज अ डिबेट, यू प्लीज कट। बाहर में देखते रहिए। बट सर प्लीज सर। चले सर, ये इतने लोग क्यों यहाँ पे? सर क्लब का इनॉग्रेशन है तो लोग तो होंगे ही ना। नहीं, घर चलो, चलो। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, ऑर्गेनाइजर को भी मैंने वादा किया था, इनफैक्ट उन्होंने अपने पार्टी के लिए अच्छा खासा डोनेशन दिया है। तो सर, डोनेशन के चक्कर में मुझे डोनेट करेगा तू? क्या पता तुझे? क्या पता? किसके बारे में सर? उसके बारे में। ये इंतजार कर रही है मेरा, तुझे मालूम है ना, ये इस भीड़ में छुपके मुझे मारेगी, यही प्लान है तुम लोगों का? साले क्या कह रहे हैं सर? बंद कर, बंद कर, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, ब्लडी इडियट। ए घर चल तू जल्दी, निकल 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 चल। नहीं नहीं होम जाए, कर तो मैं कर तो होम जाए, क्या प्रॉब्लम नहीं थे बात। बड़े जल्दी वापस आ गए आप, खाना लगवा दूं? नहीं भूख नहीं है। अरे कुछ तो खा लीजिए थोड़ा सा। मैं अरे बोलो ना, भूख नहीं है तो नहीं है, बकवास बंद कर। थके हुए लग रहे हैं आप, मैं दूध ले आती हूं, नींद अच्छी आएगी। किससे बात कर रहा था ये? कहीं अंदर बुला के पूछता हूं साले से। और हम साथ दूध सावित्री, मैं गन ढूंढ रहे हैं, हटा दी मैंने। जिस चीज की जरूरत ना हो उसे हटा देना आप ही से सीखा है मैंने। अग्नि के फेरे लेने से कोई भी पति परमेश्वर नहीं हो जाता है मंदार महतरे। पूजा करवानी हो तो परमेश्वर बन के दिखाना पड़ता है।
बाबा कहा करते थे, बीवी की आंखों में प्यार और माशूका के हाथों में हथियार सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ला, गंदे चल, सारे मोरे अपनी जगह पे रख के बाजी फिर से शुरू करते हैं। दे गंदे, दे गंदे, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, दादी यहां रहती थी, उनके जाने के बाद तो ये घर बंद ही रहा है, और जो पुलिस ऑफिसर तुम्हें ढूंढ रहा है तुम उसी घर में छुपी हो, ये कोई नहीं सोचेगा। थैंक यू। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद आज पहली बार लगा जैसे पुलिस का कोई काम किया। एनीवे, घर से बाहर ज्यादा जाना मत, और किसी ने पूछा तो जस्ट से योर माय सिस्टर वेरोनिका। थैंक यू। टेक केयर सोनिका। बाय। जब घर आए वो तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वो खाना खाएंगे तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली गई उसे सुलाने के लिए, और तभी मैंने गोली की आवाज सुनी। मैं भाग के उनके कमरे में गई तो ले लिया बदला। हो गई भगवान से लड़ाई। सोनिका, अब तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तुम जी नहीं पाओगी। मरना तो सभी को अक्षय। सोनिका, डोंट आर्ग्यू। प्लीज यू डोंट आर्ग्यू अक्षय। अगर अपना इलाज कराऊंगी तो तुम दिखना बंद हो जाओगे, और अगर तुम्हें देख नहीं पाऊंगी तो जीकर क्या करोगे? लेकिन सोनिका। अक्षय प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। तुम्हारा चेहरा देखते हुए मरना मंजूर है, तुम्हारे बगैर जीना नहीं। अक्षय, वो वाली बातें करो ना। कौन सी वाली? हमारी वाली। आज फिर तुम पे प्यार।
बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर ना शर्म जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार।